सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने क्रिएटर शमिट किया और इसमें कई सारे बड़े क्रिएटर्स को बुलाया और भी क्रिएटर जो इससे कुछ सीखेंगे, नया कुछ करेंगे, तो आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत कुछ मुझे खुद लर्निंग्स में इस कॉन्टेंट क्रिएटर इवेंट में और हमने कराया। मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है मेरी तो ना के बराबर कह लीजिए, बस अपन झूठ का खाना ना खाएं और गला बैठा के बैठे हैं। टीम की जो मेहनत है वो बहुत ही ज़बरदस्त, हमारी टीम ने मैनेजमेंट किया है, आप देख सकते हैं हर जगह ग्राफिक्स मैनेजमेंट सब चीज़ों में आए टीम फर्स्ट। उसके बाद आप सबका क्या, आपने इतने जोरों शोरों से इसमें शामिल हुए और अच्छा इस इवेंट में। और सर आज इस इवेंट में आपने एक बुक भी लॉन्च किया है, उसके बारे में ये डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, इंग्लिश में है, हिंदी इंग्लिश और 1.5 सालों का अनुभव मैंने इसमें पूरा दिया है। तो गाइस हम लोग क्रिएटर समिट में हैं और सर के बारे में तो आपको पता ही होगा, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहूँगा कि सर जो क्रिएटर है उसके बारे में कुछ बताएं, कैसे उसको आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए, सब कुछ इसकी वजह से। मुझे ये लगता है सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी, कि अगर आपको सच में लगता है कि आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो और वो भी एक ह्यूमैनिटी एंगल से, ठीक है, जैसे मैं एक एजुकेटर हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज ला पा रहा हूँ, उनको जॉब के लिए कॉन्फिडेंस के लिए जब स्पोकन इंग्लिश में मदद मिलती है तो डेफिनेटली बड़ा अच्छा फील होता है। वैसे सर वैसे बिल्कुल में कई सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन आप एक ऐसा कैटेगरी सेलेक्ट किए हैं जिससे कि कई सारे लोग मोटिवेट होते हैं, सीखते हैं और वो अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है। तो सर यूट्यूबर कई सारे ऐसे हैं जो आजकल ब्लॉगिंग में फेमस हो रहे हैं, टेक में फेमस हो रहे हैं, न्यूज़ चैनल बनाकर फेमस हो रहे हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एक इंजीनियर हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनको भी आप कुछ कहना चाहेंगे कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आए? देखिए हर कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ सकता है, ज़रूरी नहीं कोई इंजीनियर की डिग्री की है तो ही वो इस पर आएगा या कोई डॉक्टर है वही इस पर आएगा। आज के दिन में घर पर रहने वाली जो महिलाएँ हैं वो भी ब्लॉगिंग के चैनल चूल्हे की रोटी दिखा के और बहुत अच्छा मतलब एक जेन्युइन कंटेंट वो दे रही है तो वो लोगों को पसंद है, लोगों को आज के दिन ओरिजिनल कंटेंट बड़ा पसंद है, ठीक है। तो कोई भी आ सकता है और आओ, ये समुंदर है सारे समाज आओ। सर आप एक बार अपना नाम और चैनल का नाम बता दें। हाँ, मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है और मेरा चैनल नेम है इंग्लिश लवर। तो आप लोग सर के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर सर को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए।